नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो का टॉपिक है हमारा यूपीएल कंपनी का शोटर। आज इस वीडियो में यूपीएल कंपनी के शोटर का दुकान से मार्केट से खरीदने से लेकर इसका अपने खेतों में स्प्रे करने तक की पूरी जानकारी देने वाले। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यूपीएल कंपनी के शोटर में टेक्निकल की बात करें तो इसमें आपको एसीफेट 45% प्लस साइपरमेथ्रिन 5% WDG फॉर्म में मिल जाती है, यानी कि वाटर डिस्प्रेसिव ग्रेनुएट फॉर्म, यह दानेदार फॉर्म में आता है। अब यह एक तरह का सिस्टमेटिक एंड कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है, यानी कि यह 2-in-1 कॉम्बिनेशन में, जैसे कि एसीफेट सिस्टमेटिक रूप से कार्य करता है और साइपरमेथ्रिन कॉन्टैक्ट रूप से कार्य करता है। इसमें दो टेक्निकल होने की वजह से इसके कार्य करने के तरीके भी अलग अलग है। तो जो एसीफेट होता है ये सिस्टमेटिक रूप से कार्य करता है, पौधों के नीचे तक भी, पत्ती के ऊपर गिरने से भी नीचे तक भी जाता है, तथा इसमें फाइटोटेनिक होने के कारण यह फसल को हरी भरी बनाने का भी कार्य करता है। जो साइपरमेथ्रिन होता है डायरेक्ट यह नॉकडाउन एक्शन करती है और कॉन्टैक्ट रूप से कीटकों को ख़त्म करने का कार्य करती है। अब बात आती है कि इसके रेन फास्टनेस के बारे में, तो इसका आपको स्प्रे करने के 1 घंटे के बाद बारिश हो जाए तो भी यह अपने फसल पर रिजल्ट दे देता है। यह किन किन कीटों को कंट्रोल करता है, तो यह जैसे कि एफिड, जेसिड, थ्रिप्स, बोलवर्म, लिप होल्डर, स्टेम बोरर जैसे तना मक्खी, फल छेदक, फ्रूट बोरर, होपर आदि कीटों को कंट्रोल करने का कार्य करता है। यह किन किन फसलों पर स्प्रे करते हो, इसका प्रयोग आप सभी प्रकार की फसलों पर स्प्रे कर सकते हो जिनमें कीटों को अटैक हो। अब बात आती है कि इसका स्प्रे फसल की किस अवस्था में करना चाहिए, तो इसका स्प्रे आपको फसल की फूल अवस्था को छोड़कर सभी स्टेज में इसका प्रयोग कर सकते हो। इसके पहली बार में यह 7 दिन तक रिजल्ट देता है, और साथ में इसका कितने प्रतिशत तक रिजल्ट देता है, तो जब आप इसका फर्स्ट स्प्रे करते हो और कीटकों का अटैक कम होता है तो 80% तक कीटकों को कंट्रोल करता है, तथा जब इसका स्प्रे आप अब एक ही फसल में दूसरी बार करते हो तो आपको ये 70% तक रिजल्ट दे देता है। अब बात कर लेते हैं कि इसका कॉम्बिनेशन किसके साथ करें या नहीं, तो इसका कॉम्बिनेशन आप जैसे कि इसमें दोनों प्रकार के कीटनाशक है, सिस्टोमेटिक एंड कॉन्टैक्ट, तो आपको इसमें कोई इंसेक्टिसाइड मिलाने की तो आवश्यकता है नहीं, और लेकिन आप इसके साथ फंगीसाइड का सिस्टोमेटिक एंड कॉन्टैक्ट रूप के किसी भी फंगीसाइड का प्रयोग कर सकते हो। हाँ, लेकिन फंगीसाइड या किसी भी किट को मिलाने से पहले आप इसका थोड़ा प्रिवेंटिव जैसे प्रैक्टिकल करके देख ले, थोड़ी मात्रा में केमिकल को लेकर इसका घोल बनाकर देख ले, यदि दूध की तरह नहीं फटता है तो आप इसका स्प्रे कर सकते हो। अब बात आती है UPL के शोटर का प्रति एकड़ कितनी मात्रा लेनी है तथा इसका मार्केट में प्राइस क्या है, तो इसकी मात्रा के बारे में बात करें तो प्रति एकड़ आपको 500 ग्राम शोटर का प्रयोग करना है, और इसका पानी की मात्रा की बात करें तो 1 एकड़ में आप जितनी भी पानी की मात्रा लेते हो 150 लीटर 200 लीटर उसके हिसाब से 500 ग्राम का प्रति एकड़ प्रयोग करना है। अब इसके प्राइस के बारे में बात करें तो 250 ग्राम का पैक आपको 200 से 250 रुपये के आसपास मिल जाता है, और 500 ग्राम का पैक आपको 500 रुपये के लगभग में आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। आपका महत्वपूर्ण समय देने के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले लेटेस्ट वीडियो में। आपने अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। जय जवान, जय किसान।